दवाइयों को देखने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज तो जरूर आई होगी कि एक्सपायर दवाई खाने से हमारे साथ क्या होगा, क्या हमारी मौत हो जाएगी या कुछ अलग साइड इफेक्ट्स होंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि एक्सपायरी डेट क्या होती है। हर दवाई के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो दवाइयों के बेनिफिट्स हमें हमेशा हाई परसेंटेज में दिखते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, अगर हम किसी दवाई को 100% से कंपेयर करें तो उस दवाई के 99% बेनिफिट्स होंगे और 1% उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। पर एक्सपायरी डेट एक ऐसी डेट होती है जिसके बाद से उस मेडिसिन की पावर धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर वो दवाई 99% असरदार होगी तो एक्सपायरी डेट के बाद वो नीचे गिरकर 25% या उससे कम हो जाएगी, पर साइड इफेक्ट्स 100% होंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये सब चीज़ें मेडिसिन पर डिपेंड करती है। बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा कि एक्सपायर दवाई खाने से लोगों की मौत हो गई। एक्चुअली ऐसा हर दवाई के साथ नहीं होता, पर कुछ दवाइयाँ होती है जो एक्सपायर होने के बाद टॉक्सिक बन जाती है। दवाई को ठीक से काम करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि मेडिसिन के अंदर केमिकल्स को प्रिजर्व करते हैं, पर एक्सपायरी डेट के बाद ये प्रिजर्वेटिव्स धीरे धीरे से ख़त्म होने लगते हैं और वो केमिकल्स ठीक से वर्क नहीं कर पाते। इसीलिए एक्सपायर मेडिसिन कभी खानी नहीं चाहिए। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जो कॉमन डिसीज लाइक कोल्ड, फीवर, इनकी जो दवाइयाँ बनाते हैं उसकी एक्सपायरी डेट थोड़े दिनों पहले की डाल देते हैं, क्योंकि एक्सपायर मेडिसिन अगर कोई खा भी ले तो उसे कुछ तकलीफ ना हो, पर ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। तो ये थी सारी बातें कि आपको एक्सपायर मेडिसिन क्यों नहीं खानी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कीजिए, जिससे हमारा वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम है MrDoob17। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।